सारे भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के साथ साथ आज हमारा विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है, उसके भी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर समस्त रामपुर रजौरी नगर निवासियों को मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी वार्ड की ओर से ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, ये भगवान कृष्ण जी का पर्व है। यहाँ पे यहाँ ये मोहन श्री सनातन धर्म सभा इसको बड़ी जोरों शोरों से मनाती है। यहाँ पे बागवत कथा का शुभारंभ होता है और बागवत कथा के बाद यहाँ पे एक नगर परिक्रमा होती है जिसमें भगवान कृष्ण जी की झांकी निकाली जाती है और पूरी नगर परिक्रमा करते हुए वह पूर्ण से दोबारा सनातन धर्म सभा में आती है और उसके बाद कृष्ण जन्म कृष्ण का उद्घाटन होता है। यही कृष्ण जी सभी को देश प्रेम और भेदभाव और आपसी जो प्रेम चाह रहा है उसका संदेश देते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को और रजौरी वासियों को हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। किस तरह से भगवान के द्वारा कंस का वध किया गया और अत्याचार जो कंस के द्वारा किया जा रहा था उससे लोगों को मुक्त कराया, आज के दिन हमें यही संकल्प लेना है कि जो लोग पापी हैं दुष्ट हैं उनसे हमें कैसे बचना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। जय हिंद जय भारत। बहुत बड़ा त्यौहार है भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी, पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसी तरह रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं भव्य झांकी निकली हुई है, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत और जज्बा देखने का लगा। हमारी यही भगवान श्री कृष्ण से कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, हमारा भाईचारा आपस में बढ़ता रहे, हम एक दूसरे की इज्जत करें और ऐसे त्यौहार हम आए दिन मनाते रहें। शुक्रिया। जय हिंद। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं रजौरी के पूरे व्यापार मंडल की तरफ से और म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और अपना सब भाइयों से ये अपील करता हूँ कि ये जो भाईचारा हमारा रजौरी के अंदर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है ये बना रहना चाहिए। जैसे चाहे ईद का त्यौहार हो, जैसे जन्माष्टमी का हो, दिवाली का हो, हम सब मिलजुल के मनाते हैं, पूरे देश में मनाते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।